फैसला लें कि मैं अपनी किडनी अपनी सरकार को बेचूंगी। मेरी सरकार से आपकी मीडिया के माध्यम से अपील है, गुजारिश है कि वो मेरी किडनी खरीदने का इंतजाम करें। दिक्कत रही जो आपने किडनी बेचने का फैसला किया, क्या परेशानी रही थी? मैंने किडनी बेचने का फैसला बहुत सोच समझ के, ना किसी के दबाव में आके, ना किसी के बहकाव में आके मैंने निर्णय लिया है। ये मैंने फैसला बहुत मजबूरी, बहुत सोच समझ के मैंने डिसीजन लिया है, क्योंकि मरने का कोई समाधान नहीं होता। मरने के बाद में मेरे परिवार बिखर जाएगा, मेरा परिवार खत्म हो जाता, तो इसलिए मैंने अपना निर्णय लिया है कि मैं सरकार को अपनी किडनी बेचूंगी, क्योंकि मेरे पास बेचने के अलावा इसके अलावा कोई और कुछ ऑप्शन बचा नहीं है, ना मेरे पास कुछ भी है। सिर्फ मेरा अंग है जो मैं बेच सकती हूँ इसको। कारण ये है कि मेरा जूते का कारोबार, कि मैं वाइफ हूँ, मेरे पति का जूते का कारखाना था, वो पहले ऑलरेडी खत्म हो चुका है पूरा, जो हम नहीं चला पाए उसको खत्म हो होने के कारण। कि मैंने अपना वेबसाइट स्टार्ट किया फरवरी में, अपना डिजाइनर बुटीक स्टार्ट किया, बुटीक स्टार्ट होते ही एक महीने बाद में मेरा लॉकडाउन लग गया, जिसका 6 महीने का किराया मैं घर बैठे अपने दुकान का भरना पड़ेगा, बिजली का बिल है, बच्चों की स्कूल की फीस है, लाइट का है, घर का किराया, EMI है, मैं कहाँ से प्रोवाइड करूँ? एक मिडिल क्लास के लिए हम लोग किसी के आगे जा नहीं सकते, हम लोग किसी से बोल नहीं सकते, राशन वाले की दुकान पे जा नहीं सकते, हम उससे अपना अधिकार नहीं मांग सकते। तो मिडिल क्लास के लिए क्या कर रही है सरकार? मिडिल क्लास के लिए किसने सोचा है? गरीब के तबके के लोग के लिए तो सरकार सब, हर कोई NGO आगे आ रहा है, सरकार आगे आ रही है, मिडिल क्लास के लिए कहाँ जाए, वो किसके पास जाके रोए? तो मैंने फैसला लिया कि मैं अपनी किडनी अपनी सरकार को बेचूंगी। मेरी सरकार से आपकी मीडिया के माध्यम से अपील है, गुजारिश है कि वो मेरी किडनी खरीदने का इंतजाम करें। मैंने मिस्टर नरेंद्र मोदी जी को किया है, योगी जी को किया है, अखिलेश यादव को किया है, अपने राज्यपाल को किया है, अपने राष्ट्रपति को किया है, जितने हैं मैंने सबको ट्वीट किया है।